कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला इमरान, मेरे भाई इधर आइए, मेरी इमरान से बहुत कम मुलाकातें हैं, एक दो मुलाकात है, लेकिन पता नहीं क्यों इस भाई से बड़ी मोहब्बत है मुझे, बड़ी मोहब्बत है, क्योंकि ये आदमी आपके मुद्दों पर लड़ता है तो ये नहीं देखता कि सरकार से लड़ रहा है या किसी जागीरदार से लड़ रहा है, ये लड़ता है आपके लिए। और जिस इंसान के अंदर मुझे मेरे जैसा तेवर नजर आता है उससे मुझे मोहब्बत होती है। मैं इस भाई से मोहब्बत करता हूँ। मैं दिल्ली की पार्लियामेंट में अकेला पड़ जाता हूँ कभी कभी। मैं चाहता हूँ कि मेरा साथ देने के लिए एक और बहादुर इंसान को चुन करके पार्लियामेंट होते। मैं रायगंज के एक एक आवाम से मुझसे मोहब्बत करने वाले से, राहुल गांधी पे यकीन करने वाले से, लेफ्ट के तमाम साथियों से, संविधान की बचाव की बात करने वाले बाबा साहब के अनुयायियों से सबसे गुजारिश कर रहा हूं कि भाजपा से टीएमसी में आया हुआ तुम्हारे मुद्दों पे नहीं लड़ सकता है, जमहूरियत बचाने के लिए नहीं लड़ सकता है। अगर कोई तुम्हारे लिए लड़ सकता है तो तुम्हारा बेटा इमरान टिक्टर लड़ सकता है। इसको जिताओ, इसको पार्लियामेंट पहुंचाओ, क्योंकि एक बात बहुत संजीदगी से सुनना, अगर इस बात चूक गए ना तो आने वाली कई सदियों तक शायद यहां से कोई दूसरा इमरान टिकट लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा, याद रखना। पार्टी ने भी बड़ा रिस्क लिया है, बड़ा भरोसा किया है, बहुत सारे लोगों खुश नहीं है, लोग कई लोगों के माथे पे बल पड़े हुए हैं, कम कहूंगा ज्यादा समझना, हर साजिश को नाकाम करना है। मैं जानता हूं कि मैं यहां कैसे पहुंचा हूं, मुझे रोकने की कितनी साजिशें थी, लेकिन मैंने कहा था ये अंशुमान बैठा है, यहां पे उमेर भाई बैठे हैं, जानते हैं, मैंने कहा इमरान टिक्टर के लिए अगर मुझे पैदल भी जाना पड़ेगा प्रचार करने के लिए तो मैं पहुंचूंगा, क्योंकि मैंने जबान दी है और मर्द की जबान ही सब कुछ होती है, अगर वो पूरा नहीं कर सके तो फिर क्या फायदा जिंदगी का। तो मैं आपसे वादा करता हूं मेरे भाई, वक्त कम है, प्रचार बंद होना है, शायरी भी सुनाना है, भाई साहब पीछे से कह रहे हैं नहीं सुनाऊंगा तो कैसे काम चलेगा, मैं जानता हूं सुनाना ही पड़ेगा, अच्छा वो भी सुनाना। कहां सोया है चौकीदार, देखो हम चाहते हैं ना कि इमरान जीत के आए, 4 जून का जब रिजल्ट आए ना तो फिर हम दोनों पार्लियामेंट में बैठे, सरकार हो और उधर नरेंद्र मोदी जी बैठे हो अपोजिशन में, तब मैं उनसे सवाल पूछूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला इतनी कमजोर ताली से काम नहीं चलेगा, इलेक्शन सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, सपोर्ट देने का भी नाम है। इलेक्शन को इमरान टिक्टर बन के लड़ो, इमरान प्रतापगढ़ी बन के लड़ो, इस इलेक्शन को देखते हैं कौन माई का लाल हराएगा।